एनसीपी चीफ शरद पवार को दाऊद इब्राहिम से जोड़ना पड़ा भारी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे खिलाफ एफआईआर दर्ज। एनसीपी नेता सूरज चौहान की शिकायत पर मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे बीजेपी विधायक नीतीश राणे और नीलेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नीलेश राणे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, जबकि एफआईआर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। वहीं एफआईआर दर्ज होने पर नीतीश राणे बोले, महाराष्ट्र में नोटिस मिलना गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह हो गया है। जैसे मैसेज आता है वैसे नोटिस मिलता है। जब सच बोला जाता है तो एफआईआर दर्ज होता है या फिर नोटिस भेजते हैं। हमने बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी दाऊद को लेकर अपनी भूमिका रखी, जो आतंकवादी है। उन्होंने आगे कहा कि हम हिंदूवादी हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। हमने कहीं भी दंगा भड़काने की बात नहीं कही है। अगर दाऊद से इतना ही प्यार है तो महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्री अपने केबिन में से गांधी जी का फोटो हटाकर दाऊद का फोटो लगा कर उन्हें महाराष्ट्र भूषण दे दें। उन्होंने कहा कि फडणवीस को नोटिस भेजा है, वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज। तर लोकांना चूक दिसली आहे। आता आम्हाला प्रत्येकाबरोबर कसं होत आहे, प्रत्येक भाजपचा नेता जो जो कार्यकर्ता जो जो ह्या सरकारच्या विरुद्ध बोलतोय त्याला अडकवत जात आहे। तुम्ही 1.5 महिन्याचा तो संतोष परब प्रकरणाचा तमाशा बघितलेला आहे, कुठल्या पद्धतीने पोलिसांना वापरलं गेलं, कुठल्या पद्धतीने पोलिसांना दबाव टाकलं गेलं, कुठल्या पद्धतीने आरोग्य यंत्रणेला हे केलं गेलं, वापरलं गेलं,